केम छो, मैं हूँ तनु और स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे किचन के कैबिनेट्स का टूर और ऑर्गेनाइजेशन। मेरा किचन छोटा है, जैसे आपने मेरे काउंटर ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि वो ओपन किचन है, तो मुझे ज़्यादा नीचे कैबिनेट नहीं मिले हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उस छोटे से किचन का पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकूँ और अच्छी तरह से उसे सजा सकूँ। तो चलिए देखते हैं। मैंने मेरे किचन के काउंटर टॉप का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वरना मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज मैं आपको मेरे किचन के कैबिनेट्स का टूर और ऑर्गेनाइजेशन वीडियो दिखाने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बाजरे की रोटी बनाने में जो यूज़ होता है वो है, और ये रोटी की तवा है। ऊपर के सेक्शन में यहाँ मैंने कुछ DIY यूज किया है बॉक्स को लेकर, जैसे यहाँ मैंने स्पून को दो अलग अलग डिवीजन में रखा है। इसमें जो ऐसी हैवी स्पून होती है वो मैं बाहर रखती हूँ, और स्टील की जो स्पून होती है जो अभी बर्तन साफ करने के लिए मिल आएगी तब वो साफ करके यहाँ आ जाएगी, वो मैं यहाँ रखती हूँ। इस बॉक्स में मैं छोटी छोटी स्पून रखती हूँ मेरे बेटे को स्कूल में ले जाने के लिए, जो स्पून यूज़ होती है या मुझे कुछ छोटी छोटी स्पून चाहिए वो मैं यहाँ रखती हूँ। इस बॉक्स में मैंने ये ऑयल को निकालने वाला ये रखा है, ये बेकिंग कुछ स्पून है, ये बटर नाइफ है, और एक्स्ट्रा मिसेलेनियस जो है वो मैंने यहाँ रखा है। ये कॉर्न का है, ये नींबू के लिए जो यूज होता है, ये एक्स्ट्रा फोर्क्स है, है जिसे मैं यहाँ रखती हूँ, और ये पिज़्ज़ा कटर है। इस बॉक्स में मैं यहाँ रखती हूँ। ये एक्स्ट्रा है इसे मैंने यहाँ रखा है। यहाँ साइड में मैं कैंची रखती हूँ, और ये छोटी स्पून, और यहाँ मैं अपना स्पून रखती हूँ जो किचन में खाना बनाने के लिए जो यूज होते हैं वो सारे मैंने यहाँ रख दिए। नीचे यहाँ मैं आटे का जो रोटी बनाने में जो आटा लेते हैं उसका डिब्बा है, यहाँ मैंने राजमा, ब्लैक चना और जो भी स्प्राउट्स होते हैं मुझे चाहिए होते सुबह में वो मैं यहाँ रखती हूँ। ये एक्स्ट्रा नमक की बैग है, ये नमक है, और यहाँ मेरा स्पाइस बॉक्स आता है जो फिलहाल अभी साफ करने के लिए मैंने रखा है, और यहाँ भी मैंने नीचे मैट बिछाई हुई है। Thank you.
कांच की क्रॉकरी रखी है, ये बाउल है, ये डिनर सेट के बाउल है, ये भी कांच का है, ये स्टील की कटोरिया मैं बॉक्सेस में ही रखती हूँ, ये मेरे डिनर सेट की प्लेट है। ये कैबिनेट में खोलते वक्त आपस में टकरा ना जाए इसलिए मैंने अलग अलग बॉक्सेस में इन्हें रख दिया है। यहाँ मैं एक्स्ट्रा स्टील के ग्लासेस रखती हूँ, ये कुछ कांच की एक्स्ट्रा जार है, ये स्टील के बाउल है, इसे मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ भी नीचे मैंने बिछाई हुई है। लास्ट कैबिनेट में छोटी छोटी प्लेट है वो रखी है, ये पीछे मैंने ट्रे रखी है, ये नॉनस्टिक रखा है। फ्रेंड्स यहाँ तक के सारे कैबिनेट हो गया है, तो इस तरफ देखते हैं। ये सिंक के नीचे का मेरा कैबिनेट है जो काफी बड़ा है। अगर आप अंडर सिंक ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ये मैंने कुछ DIY करके यहाँ एक्स्ट्रा प्लास्टिक की बैग उसे मैं यहाँ रखती हूँ ताकि मुझे जल्दी मिल जाए। काफ़ी बड़ा है लेकिन मैंने इसे इस तरह से यूटिलाइज किया है, मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ऊपर के कैबिनेट में मैंने ये छोटा मेरा अपम मेकर है वो रखा है, यहाँ कुछ बेकिंग की मेरे सामान है ये वो रखा है, स्मैशर है, ये बड़ी छलनी है, बेकिंग के एक्स्ट्रा कंटेनर है, जो भी एक्स्ट्रा है जो मुझे किचन में कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उसे मैंने यहाँ रखा है। ये ग्रिल का तवा है, भी मैंने DIY किया है। यहाँ मैंने आप देख सकते हैं ये बॉक्स यूज़ किया है और ये यहाँ उसे पार्टीशन बीच में रख दिया है ताकि ये दोनों तरफ से मैं यूज़ कर सकूँ। यहाँ मैंने प्लास्टिक के एक्स्ट्रा जो कंटेनर होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा खाना बच जाए या कुछ भी रखना हो तो वो मिल जाए, इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा है। टोमेटो सॉस का जार है एक्स्ट्रा निकालने के लिए, ये छोटी छोटी बोतल है जो मेरे बेटे के लिए मैंने यहाँ बाहर रखी है, वो कभी भी स्कूल में घूम कर के आ जाता है। देखिए मैंने इस तरह यहाँ पार्टीशन लगाकर इस बड़े से कैबिनेट को इस तरह से यूज़ किया है और यहाँ ऊपर मेरा माइक्रोवेव का ये ग्लोव्स पड़ा रहता है। सब कुछ एक्स्ट्रा कंटेनर्स है जो मुझे चाहिए हो तो मुझे कहीं ढूंढने नहीं पड़ते हैं, मैं यहाँ से मुझे जल्दी ही मिल जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से इसे सजाया हुआ है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।